सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नोर स्टडी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट्स ने इग्नू से बीएड करने के लिए जनवरी 2023 सेशन में अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है उनके रिजल्ट के ऊपर, राइट। डीपली डिस्कस करने वाले हैं रिजल्ट के ऊपर एंड कट ऑफ कितना जाता है उसके ऊपर भी, ठीक है। सो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2023 में अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है बीएड के लिए, तो सभी स्टूडेंट बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इग्नू वेट से रिलेटेड हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे, ओके। एंड आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, स्टूडेंट्स काफी टाइम से ये कमेंट कर रहे थे कि आपका रिजल्ट वेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर किया जाएगा, एंड रिजल्ट के साथ साथ मैं आपके साथ कट ऑफ के भी ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ कितना कट आपका जाता है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले बात के लिए अगर हम लोग रिजल्ट की, तो सबसे पहले ये इन्फॉर्म करूं कि आपका इग्नू ने वीएड के लिए आपका आंसर की 9 फरवरी 2023 को ही रिलीज कर दिया है, और आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स अपना आंसर की के हिसाब से आंसर मिला लिए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहीं से पता चल गया होगा कि उनका रिजल्ट क्या आने वाला है, बिकॉज आंसर की रिलीज किया गया, तो आप यहां से अपना क्वेश्चन को देखते हुए आंसर मिला लोगे तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। वैसे बात रही ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट की, तो रिजल्ट को लेकर के काफी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, एंड गूगल सर्च भी आप लोगों ने किया होगा, तो बहुत जगह आपको ये बताया जा रहा है कि फरवरी लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मैंने भी आपको बताया था कि लास्ट फरवरी होते होते आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बट आज आ गया है आपका 23 फरवरी और अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई भी अपडेट इग्नू ने दिया नहीं है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि इतना ज़्यादा डिले हो गया, अभी तक आपका रिजल्ट आया नहीं। एंड मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था एंट्रेंस एग्जामिनेशन जनवरी 2023 के लिए वीएड का, वो आपका 8 जनवरी 2023 को हुआ था। तो मिनिमम बैक ईयर को अगर देखें, प्रीवियस ईयर को देखते हुए मैं आपको बताऊँ तो 1.5 मंथ आपका लग जाता है रिजल्ट डिक्लेयर होते होते, तो अब 1.5 मंथ पूरा हो चुका है, तो कभी भी इग्नू आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। सो चैनल के साथ बने रहिएगा, जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है दिन में आपको अपडेट डेफिनेटली कर दूंगी। आगे बहुत सारी प्रोसेस होगी रिजल्ट आने के बाद, जो कि हर एक अपडेट आपको यहीं से मिलेगा, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे, ठीक है। तो अब आप कंफर्म हो जाओ कि लास्ट फरवरी होते होते आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाला है, बिकॉज स्टूडेंट्स तो अपना आंसर मिला लिए तो उनको पता चल गया कि किसके अराउंड हमारा मार्क्स आ रहा है। तो अब स्टूडेंट ये जानना चाह रहे हैं उनका जो कट ऑफ है वो क्या जाने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्म करूँ कि कट ऑफ आपका कैटेगरी वाइज जाता है, ठीक है। सो हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग जाता है। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो कमेंट करके ये बताएं कि आप लोग किस किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, उसके हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक स्पेशली वीडियो अपलोड करके ये इन्फॉर्म कर दूंगी कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है हर एक कैटेगरी के लिए। सो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें और रिजल्ट जैसे ही आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो आपके कट ऑफ के ऊपर होगा कि कट ऑफ क्या जाता है, तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना। सो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को सभी स्टूडेंट्स से शेयर कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी को मिले। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।